संथाल परगना ही नहीं बल्कि झारखंड राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में जाना माना चेहरा ही नहीं बल्कि एक चर्चित नेता के रूप में साइमन मरंडी जाने जाते हैं। 1975 से जो है इन्होंने राजनीति शुरू की और उसके बाद से लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर इनका और इनके परिवार का अब तक कब्जा रहा है। दो बार सांसद रहे और विधायक भी रहे। इस बार अंतिम चरण में जो होने वाले चुनाव हैं पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर, उसके लिए इन्होंने अपना बतौर प्रत्याशी दावा नहीं किया। यही संथाल परगना का लिट्टीपाड़ा क्षेत्र है जहां के साइमन मरंडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन को भी संथाल परगना की धरती न केवल दिखाई बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन भी मजबूत की है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस बार के चुनाव में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारना क्यों मुनासिब नहीं समझा। देखिए, समय बदलता रहता है और लोगों का विचार भी बदलना चाहिए और यह देखना चाहिए कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पैर को मजबूत करने के लिए हमें जो है वैसे ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को शक्ति दे सके। और हमने सोचा कि नहीं, ऐसे हालत में नवयुवक का जरूरत है। आप के जो पुत्र हैं दिनेश विलियम मरंडी, राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव इन्हें नहीं है, कैसे इस सीट को निकाल पाएंगे आप? देखिए, दिनेश मरंडी को वो मुख्यमंत्री से आप कंपेयर मत करिए, जीतने के मामले में मुख्यमंत्री से भी आगे है। और जब से इनके प्रत्याशी का बात लोगों के बीच में आया है, लोग खुश है। 80% लोग चाहता है कि दिनेश मरंडी ही लड़े और उसको जिताएगा लोग। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट जो है, लिट्टीपाड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है, उसके उपेक्षा का, वहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर नहीं करने का आप पर आरोप लगते हैं। ऐसा तो बात नहीं है, हमने जितना शांतिपूर्ण ढंग से अपने इलाके के लोगों को रखा है, सड़कें दी है, को जब पीने का पानी का समाधान किया है और यहाँ बिजली का प्रसार किया, ये सारे लोग जो है जितना दिन राजनीति किया है उतना दिन के बजाय हम जो है कम ही दिन में इसको, कम ही समय में, बीच में जो है हमने जो इस संबंध में कोई सरकार से सहयोग नहीं पाया था, बाद में मिला तो हमने जो है आगे। क्या लगता है आपकी विरासत जो है लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट, उसको आपका बेटा दिनेश विलियम मरंडी संजोग के रख पाएगा इस बार? देखिए, बहुत ही निरीह आदमी, सीधा आदमी ही बोलेगा कि दिनेश मरंडी नहीं जीतेगा। बाकी सभी समझदार से लेकर के जवान से बूढ़ा तक बोलता है कि दिनेश मरंडी जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। किससे मुकाबला है इस बार लिट्टीपाड़ा सीट पर आपका? किसका बोलेंगे, और सब बरोबरे है, किसके बारे में बोलेंगे, कौन पार्टी? यहाँ तो हमारे पीछे पीछे हमारे टंगरी खींचने के लिए जो है और हमारे बेटे को हराने के लिए साजिश कर रहा है, लेकिन कोनो चीज़ नहीं चलना है। किसी से मुकाबला हमारे बेटा का नहीं है, वो बहुत आगे है और ये लोग बहुत पीछे है। तो हमारे साथ थे साइमन मरंडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और संथाल परगना ही नहीं बल्कि झारखंड के चर्चित चेहरे हैं। इनका दावा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनका बेटा भी इन्हीं की तरह इस सीट पर परचम लहराएगा। देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री की इस प्रतिष्ठा वाली सीट पर साइमन मरंडी की प्रतिष्ठा बचती है या जाती है। ओंकार आवामी के लिए कैमरा पर्सन मिठू यादव के साथ राम प्रसाद सिन्हा।